नहीं, मैं पागल नहीं हो गया हूँ। मुझे पता है कि गोल्ड का प्राइस इज ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स, बट देर इज स्टिल अ वे कि हम लोग 40 रुपए के आसपास में गोल्ड खरीद सकते हैं। एंड आई नो दैट मेनी पीपल फील दैट इन ऑर्डर टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन गोल्ड, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए, नेचुरली 50,000 की चीज़ है, बट दैट्स नॉट द केस। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉइंग करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लेते हैं गोल्ड का एग्जाम्पल, ठीक है। गोल्ड का एग्जाम्पल, गोल्ड 47,000 है लगभग। अगर अगर हम लोग एक्चुअली MCX पे जाए, जो गोल्ड का एक्सचेंज है, तो 47,000 है। गूगल हम लोग को थोड़ा अलग प्राइस दिखा रहा है, बट लेट्स से गोल्ड का प्राइस इज 47,000, ठीक है। अगर समझो इट गोज अप बाय 10%, देन ऑब्वियसली 10% का अप्रिसिएशन हो जाएगा, 51,000 के आसपास हम लोग का गोल्ड का प्राइस आ जाएगा। और अगर हम लोग वो 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट देखते हैं, दैट विल ऑल्सो गो अप बाय लगभग 10%, एंड इट विल बिकम 44 रुपीज़। सो गोल्ड का जितना हम लोग को अप्रिसिएशन हुआ है, आई विल जस्ट अनडू एंड यू नो इरेज ऑल ऑफ इट। सो पॉइंट क्या है कि गोल्ड ऊपर जाता है तो हम लोग का 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाता है, गोल्ड नीचे आएगा हम लोग का 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी नीचे आएगा। सो पॉइंट इज कि इवन दो हम लोग 40 रुपये ही डाल रहे हैं एट स्टार्ट, एट फर्स्ट, हम लोग का एक्चुअली जो प्राइस मूव हो रहा है और इन्वेस्टमेंट जो मूव हो रहा है वो गोल्ड के हिसाब से होता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, दैट वी आर गेटिंग एक्सपोजर इन टू गोल्ड बट वी आर पेइंग वेरी लिटिल फॉर इट। ये हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द चार्ट ऑफ द ETF। मैं बात कर रहा हूँ कोटक गोल्ड ETF की। एंड द गुड थिंग अबाउट इज कि पहले एक्चुअली 500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली का था, 420 रुपीज़ जितना, बट अभी वो स्प्लिट हो गया है। स्प्लिट होना मतलब क्या होता है कि पहले समझो गलत वाला बटन प्रेस कर लिया, ठीक है, वन मिनट आई विल जस्ट रिमूव इट। या पहले अगर आपके पास 10 यूनिट थे एट 400 रुपीज़, अभी आपके पास 100 यूनिट होंगे एट 40 रुपीज़। सो इससे क्या होता था कि सिर्फ 40 रुपये में हम लोग एक्चुअली गोल्ड का यू नो एक्सपोजर ले सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि ये जो प्राइस मिमिक करता है ना, ये जो प्राइस मूवमेंट होता है, दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम एज द गोल्ड फ्यूचर्स ऑफ MCX। तो ये जो प्राइस है और वो वाला जो प्राइस था, उसका प्राइस मूवमेंट सेम रहेगा। सो इवन दो वी वोंट टेक्निकली हैव द बिस्किट, वो गोल्ड का बिस्किट रहता है, गोल्ड का कॉइन रहता है, गोल्ड का बुलियन रहता है, वो सब शायद नहीं रहेगा हम लोग के पास, फिजिकली नहीं रहेगा। वी वोंट बी एबल टू स्टफ इट इन द लॉकर, हम लोग बैंक के लॉकर में नहीं डाल पाएंगे, कबर्ड के लॉकर में नहीं डाल सकते, बट इट विल बी सेफ एंड सिक्योर इन आर डीमैट अकाउंट। और जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, वही सेम प्रपोर्शन में हम लोग के ये वाले इन्वेस्टमेंट का प्राइस ऊपर नीचे होगा। एंड द ब्यूटी इज इट दैट इट्स मच सेफर। अगर यू नो कुछ भी हो सकता है, वो गोल्ड कोई ले सकता है, मेकिंग चार्जेस या DK हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें इट इज़ सेफ सिक्योर, डिजिटल गोल्ड है, और ऑब्वियसली नो वन कैन टेक इट ऑल्सो। सो दिस इज़ अ गुड वे टू एक्चुअली यू नो इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर इफ यू विल बी एबल टू सी द कैलकुलेटर ऑन माई स्क्रीन, पर समझो 41 रुपीज़ हम लोग डालते हैं। एक्चुअली थोड़ा कंजर्वेटिव एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स से 45 रुपीज़ है। 45 रुपीज़ में कितना, 2 वड़ा पाव आ जाएगा, 2 समोसा पाव आ जाएगा, दैट इज़ इट, ठीक है, शायद 1 समोसा, 1 चाय आ जाएगी। बट 45 रुपीज़ में जो हम लोग का शाम का नाश्ता होता है, उतने में अगर हम लोग गोल्ड खरीदते हैं 1 साल के लिए, हम लोग को लगभग 16,000 रुपये मिलते हैं। वही 16,000 अगर मैं करता हूँ 50,000 डिवाइडेड बाई 16,425, हम लोग को 3 साल लगेंगे एक गोल्ड फिजिकल का 10 ग्राम लेने में, जितना हम लोग इसमें डाल सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली वी कैन यूज़ आर गेन्स टू ग्रो ग्रो ग्रो। सो जस्ट पुटिंग इन मनी, हम लोग जितना नाश्ते के लिए डालते हैं शाम को चाय और समोसे के लिए, उतने में हम लोग सोना खरीद सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ थिंग टू लुक एट। सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, दिस इज़ जस्ट माई व्यू, और मैं एक्चुअली ये करता हूँ। इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट ब्रिंगिंग टू यू, आई हैव सम एक्सपोजर इन दिस गोल्ड ETF, दिस पर्टिकुलर गोल्ड ETF। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू एक्चुअली कंसिडर। आप देख सकते हो, फर्दर रिसर्च कर सकते हो, और फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए। डोंट गो बाई जस्ट वॉट आई एम सेइंग, अगेन आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज जस्ट फॉर एडियो एंड इन्फो पर्पसेज ओनली। That's it for this one. See you in the next and happy investing.